सोनू तुझे मुझ पर भरोसा नहीं क्या। मराठी से आया यह गाना भारत में अलग अलग बोलियों में वायरल होने के बाद अब सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया है। पड़ोसी मुल्क में भी इस गाने का अलग वर्जन बना लिया गया है और यह वर्जन वहां की सियासी उठापटक पर है। पाकिस्तान में इस गाने के जरिए नवाज शरीफ और इमरान खान पर चुटकियां ली गई हैं। यह गाना शुरू होता है इमू हमें तुझ पे भरोसा सही था से। गाना बनाया है कराची वाइंग ग्रुप ने। पाकिस्तानी मंसूर कुरैशी और उनके कुछ दोस्तों ने 2014 में यह ग्रुप बनाया था। बातचीत में मंसूर ने बताया कि ये ग्रुप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर नजर रखते हुए मजेदार चीजें बनाकर पेश करता है। मंसूर ने बताया कि उन्होंने सोनू गाने को यूट्यूब पर देखा था, इसकी धुन उन्हें पसंद आई, लेकिन उनका ग्रुप इस फिराक में था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। यह मौका उन्हें मिला जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहरा दिया और उनकी कुर्सी चली गई। पनामा पेपर्स में तहरीक के इंसाफ पाकिस्तान के नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान का भी नाम था। बस इसी मसले पर कराची वाइंग ने सोनू की धुन पर गाना बना दिया। वीडियो में पूरी टीम एक स्विमिंग पूल में खड़ी हुई है और इमरान को इमू संबोधित करते हुए गा रहे हैं। इस गाने की कुछ पंक्तियां इस तरह हैं। इमू हमें आप पर भरोसा सही था, अपनी मेहनत पर देखो आप अड़ गए, पनामा से देखो सारे गड़ गए, अदालत में केस हुआ गोल गोल, इमू यहाँ सारे बोले मीठे बोल, इमू। सोनू गाना भारत में तब मशहूर हुआ था जब मुंबई की रेडियो जॉकी मलिश्का ने उस पर वीडियो बनाकर सड़क पर गड्ढों पर चुटीला तानल किया था। इसके बाद भारत में इसके कई वर्जन सामने आए थे। मंसूर बताते हैं कि उनकी टीम ने यह वीडियो सिर्फ एक घंटे में बनाया। उनके टीम मेंबर सलमान खान ने गाना लिखा, मोबाइल कैमरे से शूट किया गया और एडिट किए बिना यूट्यूब पर डाला गया। हालांकि इस गाने के मूल में सियासी टिप्पणी है, लेकिन मंसूर का दावा है कि ग्रुप का किसी पार्टी के लिए झुकाव नहीं है और यह सिर्फ एक मजेदार गाना है। उनका कहना है कि इमरान खान के साथ जुड़ी चीजों के वायरल होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने यह विषय चुना। हालांकि इस गाने पर कराची वाइंग को इमरान समर्थकों से प्रशंसा और शरीफ समर्थकों से आलोचना मिली। मंसूर बताते हैं कि ग्रुप के लोग हफ्ते में मिलने वाली एक छुट्टी में कराची वाइंग का काम करते हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों को शामिल करते हुए इन्होंने कई वीडियोस बनाए हैं, जिनमें से कुछ को 5 लाख से ज्यादा बार भी देखा गया है। अब मंसूर और उनके दोस्तों को तलाश है एक नए आइडिया की।